प्रश्नों के जवाब गलत आएंगे विधायक, वो हमको लिख के देंगे, हम उस विभाग के पदाधिकारी को बुला करके कमेटी के माध्यम से समीक्षा भी कराएंगे, और उस जिम्मेवारी में आप सब की भूमिका और सहयोग अपेक्षित। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। 23 मार्च 2021 बिहार विधानसभा में पुलिस कानून का विरोध कर रहे विपक्षी विधायकों को सदन में पीटा गया, सदन से घसीट कर बाहर फेंका गया, पुलिस वालों ने जूतों से पीटा बिहार के माननीय विधायकों को, विपक्षी विधायकों को। इसके बाद से जो सियासत गरमाई हुई है, अब तक ठंडा नहीं हुआ है माहौल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरीके से विपक्ष की ओर से सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि इस मामले में कार्यवाही अब तक क्यों नहीं हुई, हालांकि 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया विधानसभा में विधायकों की पिटाई के मामले में। लेकिन अब तेजस्वी जब सवाल खड़ा कर रहे हैं, हाल ही में सदन में मॉनसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बड़े मछलियों को बचाया जा रहा है, बड़े जो अधिकारी थे उन पर कार्यवाही कब होगी, क्यों नहीं हुई। लेकिन आज विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने साफ साफ कहा है जो भी दोषी होंगे वो बक्से नहीं जाएंगे। प्रथम दृष्टया 2 पुलिस अधिकारी को वीडियो के आधार पर निलंबित किया गया है, आगे जो भी वरीय अधिकारी हैं उन पर भी कार्यवाही होगी, जो भी दोषी होंगे वो बक्से नहीं जाएंगे। लेकिन साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा है कि विधायकों की ओर से भी अगर कुछ गलत हुआ है तो कार्यवाही उन पर भी होगी। हालांकि विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कहा था कि विपक्ष के विधायकों पर कार्यवाही करनी है तो वो तेजस्वी यादव पर करे, सबकी जिम्मेवारी तेजस्वी यादव ने ले लिया। लेकिन आज विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप वो सुनिए। उनका जो 2 कर्मी पर कार्यवाही हुआ है, रिपोर्ट आया है, उसको भी हम लोग देख कर करके समीक्षा करेंगे। उसकी रिपोर्ट की भी उन लोगों को कहा है कि आप, वो तो प्रथम दृष्टया जो दिखाई पड़ा, जो प्रेस मीडिया के माध्यम से चला, उस पर कार्रवाई किए हैं, और जो रिपोर्ट आएगा उसको देखा जाएगा। दोनों पक्ष का व्यवस्था को जिम्मेवारी जिनके जिम्मे है वो उस पर आगे एक्टिविटी करेंगे और हम लोग देखेंगे। देखिए, अध्यक्ष का कार्य है कि बीते से आगे बढ़कर नए कुछ करने का, और माननीय सदस्य अगर जो बेहतर व्यवहार और आचरण के द्वारा नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं तो उससे लोगों को और उत्साहित करने का, और उस जिम्मेवारी में आप सब की भूमिका और सहयोग अपेक्षित है कि एक सकारात्मक वातावरण हमारे बिहार में बने, और यह बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं सबको, माननीय सदस्यों को, प्रेस मीडिया के बंधु को और सभी राजनीतिक प्राणी को मैं आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि सकारात्मक वातावरण बनाने में सबकी भूमिका है, और सब गवाह न बने, भागीदार बने अच्छे वातावरण बनाने में। समिति का, वो समिति के जिम्मे है, और हमने तो खुल के सदन में सब बात कहा। एक बात तो है कि हम याद है कि पीएम तो अभी प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। देखिए, बिहार लोकतंत्र की जननी है, और बिहार जो संदेश सब लोगों के सहयोग से दिया है कि 100% प्रश्नों का जवाब सदन पटल पर आए, ऑनलाइन और उसमें पूरक पूछे, आप माननीय सदस्यों से बातचीत कर करके देखें कि इसका क्या असर जमीन पर है, वो बताएंगे। सच्चाई की जमीन पर आज इसका बहुत असर दिखाई पड़ रहा है काम का, और पदाधिकारी भी जिम्मेवारी से अपने जवाब को अब बना रहे हैं। हमने ये भी कहा है, आपको एक चीज़ और बता दें कि जिन प्रश्नों के जवाब गलत आएंगे विधायक, वो हमको लिख के देंगे, हम उस विभाग के पदाधिकारी को बुला करके कमेटी के माध्यम। तो विधानसभा में विधायकों की पिटाई के मामले में अब भी सियासत तेज है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष का यह बड़ा बयान, जो भी दोषी अधिकारी होंगे चाहे बड़े हो या फिर छोटे, वो बक्से नहीं जाएंगे। जिस तरीके से विधानसभा में सदन के अंदर विधायकों की पिटाई की गई थी, तब से जो सियासत गरमाई हुई है अब भी ठंडा नहीं हुआ। हालांकि इस मामले में अब तक 2 पुलिसकर्मी पर कार्यवाही जरूर हुई है। तेजस्वी ने मॉनसून सत्र के दौरान भी सदन में विधायकों की पिटाई का मामला उठाया था, और अब विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा कह रहे हैं दोषी कोई भी हो वो बक्से नहीं जाएंगे। बहरहाल देखना होगा कार्यवाही क्या होती है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।